हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फिर एक बार प्रधानमंत्री आवास योजना महावीर नगर में लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत से कमेंट आ रहे थे फ्लैटों की रजिस्ट्री को लेकर कि अभी तक आप लोगों के फ्लैटों की आखिरकार रजिस्ट्री क्यों नहीं हो पाई है और फ्लैटों की रजिस्ट्री में इतना टाइम क्यों लग रहा है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्री से जुड़ी जितनी भी बातें हैं उन पर सब पे चर्चा करने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि आखिरकार सभी फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए हैं, फिर भी आपके फ्लैटों की रजिस्ट्री अभी तक क्यों नहीं है हो पाई है। और फ्लैटों का आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, इवन सारे फ्लैटों का काम भी पूरा हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर ए टू जेड अपडेट्स देने वाला हूँ कि आखिरकार आपकी रजिस्ट्रियों में इतना टाइम क्यों लग रहा है और क्या कारण रहा है। आज मैं यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनसे बात भी करूंगा कि आखिरकार फ्लैटों की रजिस्ट्री में अभी इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपना एक प्यार भरा लाइक कीजिए, लाइक कर जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहना। आज मैं आप लोगों के यहाँ पे जितने भी फ्लैटों की रजिस्ट्री से लेकर सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना महावीर नगर के इस प्रोजेक्ट को चलते हुए लगभग 5 से 6 साल होने को आए हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो भी काफ़ी 100% पूरा ही होने वाला है। सारे फ्लैटों का काम रेडी हो गया है, कुछ बस काम बचा है, इवन 10% ही काम बचा है यहाँ पे फ्लैटों का, बाकी 90% काम फ्लैटों का फ्रेंड्स पूरा हो चुका है। फिर भी काफ़ी लोगों की रजिस्ट्रियाँ यहाँ पे नहीं हो पाई हैं, इवन ज़्यादातर लोगों की रजिस्ट्रियाँ अभी तक नहीं हो पाई हैं। तो यहाँ पे क्या कारण रहा है जो अभी तक लोगों की रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पाई हैं और लोगों को फ्लैटों में पोजेशन नहीं मिल पाया है फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस प्रोजेक्ट की देरी का कारण 2-3 कारण बड़े कारण रहे हैं फ्रेंड्स। फ्लैटों की रजिस्ट्री में देरी के 2 कारण बड़े कारण रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे फ्रेंड्स कि कुछ सालों पहले कोविड-19 की वजह से जो फ्लैटों के कंस्ट्रक्शंस का काम है फ्रेंड्स वो काफ़ी लेट हुआ है, लेकिन अब काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है फ्रेंड्स। एक कारण तो यह रहा है कि आप लोगों के फ्लैटों की रजिस्ट्री में इतना टाइम अभी तक लगा है फ्रेंड्स, 1 से 2 साल कोविड-19 के उसमें फ्लैटों का जो कंस्ट्रक्शंस का काम है वो पूरी तरीके से बंद रहा है फ्रेंड्स। और एक कारण ये भी रहा है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो भी ये फ्लैट्स तैयार कर रही हैं वो 3 कंपनियाँ हैं और कुछ कंपनियों ने अपना काम टाइम पे पूरा कर दिया है फ्रेंड्स। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी फ्लैट्स पूरे कंप्लीट हो गए और कुछ कंपनियों ने अभी काम में लापरवाही दिखाई है। तो फ्रेंड्स, कुछ कंपनियों का काम बाकी रह गया है। एक तो कारण फ्रेंड्स ये रहा है कि फ्लैटों की रजिस्ट्री में काफ़ी टाइम लगा है। फ्रेंड्स, जब मैंने यहाँ पे काम कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों से बात की तो मुझे पता चला कि जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फ्लैटों का कर रही हैं उनमें कुल 3 कंपनियाँ हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो एक कंपनी है उसमें अपने फ्लैटों के काम टाइम पे रेडी किए हैं फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे। और कुछ कंपनियों ने अपने फ्लैटों के काम टाइम पर नहीं रेडी किए हैं, इस वजह से आपके फ्लैटों की रजिस्ट्री में थोड़ा टाइम लग रहा है फ्रेंड्स। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर ज़्यादातर काम, अब तो खैर ज़्यादातर काम पूरा हो चुका है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप फ्लैटों का सभी काम पूरा हो चुका है। रोड पूरी तरीके से हर फ्लैटों में बनके रेडी हो चुकी हैं, बिजली का काम भी पूरा हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे पोल्स वगैरह पूरे लग के रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स, सभी पूरा हो गया है फ्रेंड्स। अब आपके फ्लैटों की जो भी रजिस्ट्री है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए अब फ्लैटों की आपकी रजिस्ट्री में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। सो फ्रेंड्स, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्लैटों की रजिस्ट्री जल्द से जल्द हो तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, काफ़ी लोगों के साथ शेयर किए, ताकि ये वीडियो KDA के कर्मचारी और अधिकारियों तक भी पहुँचे, ताकि उन लोगों को ये पता चले कि आप फ्लैटों की रजिस्ट्री में काफ़ी टाइम लगा है और आपकी रजिस्ट्री का जो भी प्रोसेस है वो काफ़ी जल्द से जल्द हो सके फ्रेंड्स। मैं यह चाहता हूँ कि आप लोगों के जो फ्लैटों की रजिस्ट्री का प्रोसेस है वो जल्द से जल्द पूरा हो, आप लोगों को इन फ्लैटों में जल्द से जल्द पोजीशन मिले फ्लैट। हालांकि सभी फ्लैट्स इवन अब यहाँ पे 100% फ्रेंड फ्लैटों का काम पूरा हो चुका है, जो फ्लैटों की सारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं, बिजली पोल्स हो, चाहे रोड्स हो, चाहे जो भी फ्लैटों की समस्या है वो सभी पूरी हो चुकी है फ्रेंड्स। मैं यह खुद चाहता हूँ कि आप लोगों को इन फ्लैटों में अब जल्द से जल्द पोजीशन मिले, आप लोगों को फ्लैटों में जल्द से जल्द कब्जा मिले और आप लोगों
लोगों का जो घर का सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो। सो फ्रेंड्स, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, और ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुँचे जो भी KDA के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और आप लोग भी थोड़ी मेहनत कीजिए, मैं आप लोगों के लिए टाइम टाइम पे इस तरीके के वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि अगर आप लोगों के फ्लैटों की रजिस्ट्री का प्रोसेस जल्द से जल्द हो, आप लोगों को जल्द से जल्द फ्लैटों में कब्जा मिले, तो बस आप यही एक काम कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फैला दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जब ये वीडियो KDA के अधिकारी कर्मचारियों तक जाएगा तो आप लोगों की रजिस्ट्री का प्रोसेस है वो जल्द से जल्द पूरा होगा। सो फ्रेंड्स, मैं यह चाहता हूं कि आप लोगों को इन फ्लैटों में जल्द से जल्द कब्जा मिले। पहले भी इस महावीर नगर के प्रोजेक्ट्स को काफ़ी टाइम हो चुका है, ये फ्लैट्स काफ़ी डिले हो चुके हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और आप लोगों का जो भी पेमेंट्स है, इवन 100% लोगों की पेमेंट भी हो चुकी है फ्लैटों को लेकर। तो मैं बस आप लोगों से यही चाहता हूं कि आप लोग अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो आप लोगों जो फ्लैटों की रजिस्ट्री का प्रोसेस है फ्रेंड्स वो काफ़ी जल्दी होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार, मैं आप लोगों के इसलिए मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अपना एक प्यार भरा लाइक कीजिए। मैं आगे भी आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं या फ्लैटों को लेकर जो भी सवाल हैं, आगे भी मैं आप लोगों के सारी क्वेरीज और सवालों के जवाब देता रहता हूँ और आगे भी देता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फ्लैटों की रजिस्ट्री से लेकर आपकी जो भी क्वेरीज हैं या जो भी आपके सवाल हैं मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं आगे भी आप लोगों को टाइम टाइम पर इसी तरीके के अपडेट देता रहूँगा। और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपना एक प्यार भरा लाइक ज़रूर कीजिए। मैं आप लोगों को आगे भी इसी तरीके की जानकारी या फ्लैटों को लेकर या रजिस्ट्री से लेकर फ्लैटों की जो भी अपडेट्स हैं मैं आगे भी आप लोगों को देता रहूँगा। और जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अगर आप लोगों को उनकी भी बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो चलिए, आप लोगों से मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।